नमस्कार, मैं अजय देशपांडे आर्टिस्ट पुणे से हूँ। हिना भट्ट आर्ट फेंचर्स द्वारा ऑनलाइन स्टूडियो आर्ट कैंप जो चल रहा है उनमें सभी सहभागी चित्रकारों को मेरा प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। हिना भट्ट आर्ट फेंचर्स का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इसमें पार्टिसिपेट होने का मौका दिया है, धन्यवाद। मेरे लिए लैंडस्केप पेंटिंग एक कोई खास फॉर्म है, किसी अनदेखी जगत की सैर करने में बड़ा मजा आता है। लैंडस्केप पेंटिंग मेरे लिए ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसका कोई अंत नहीं। हर व्यक्ति के अनुसार उसमें आपको बहुत सारे आयाम देखने को मिलते हैं, बिल्कुल परिवर्तनशील है और गतिमान भी है, क्योंकि ना इसमें चहल पहल छाया प्रकाश में काफ़ी बदलाव होते हैं, तो इसका परिणाम वो आर्ट फॉर्म के ऊपर जो लैंडस्केप आर्ट है उसमें आपको दिखाई देता है। मैं भी ऐसे शुरू में स्केचेस करता हूँ जो कि आम तरीका है, पर उसके बाद मैं मन में प्रतिबिंबित होने वाली जो छवि है उसके ऊपर ध्यान देता हूँ, और वो जो चित्र है उसकी एक अलग दुनिया है। उसकी मुझे सह का नाम मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल उसमें क्या होता है कि बिल्कुल नई परत, नया पोत, मतलब टेक्सचर, अजीब सा माहौल उसमें मिल जाता है, और उसी को मैं निखारने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी उस जगह की जो रूह होती है ना आपको मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती, पर कोशिश मैं वही करता हूँ कि जो मैं दृश्य जो देखता हूँ उसको मन में मैं उतार लेता हूँ पूरी तरह से, और फिर जो भी 7 प्रतिशत हम लोग बोलते हैं जो डायलॉग होता है वो फॉर्म और तुम्हारे हमारे बीच, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ना कि बिल्कुल है जैसा है वैसा ही स्ट्रक्चर मुझे दिखाने में उतना कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। पहले शुरू में मैं करता था ऐसे ही लैंडस्केप, पर अब वो नहीं रहा। अब मैं थोड़ा सा उसको अलग तरह से देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कुछ अलग दिखाने की। और क्या होता है कि लैंडस्केप करने हम लोग बाहर निकलते ही है तो कुछ स्पॉट भी देखते हैं, तो ऐसे मैं एक तो घुमक्कड़ हूँ तो जाता हूँ हर जगह पे, तो इस ऐसे ही घूमते घूमते मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग इसको साइकिल के साथ जोड़ दिया जाए, एडवेंचर और आर्ट साथ साथ में जोड़ दिया जाए। तो मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, 2018 की बात है, नर्मदा जी का मुझे बहुत आकर्षण है रहा, इसी कारण मैंने नर्मदा परिक्रमा साइकिल से करने का फैसला भी किया, और चित्रकार होने के नाते मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं जैसे लोग किताब लिखते हैं तो मैं अपने चित्र द्वारा चित्र मालिका क्यों ना बनाऊँ, मतलब डायरी जैसा। तो मैंने सब पूरी तैयारी कर ली थी और साथ में डायरी भी ली थी कि तो मैंने सोचा कि साथ साथ में हम स्केचेस करेंगे, कुछ फोटोग्राफ भी लेंगे, फिर काम करते रहेंगे। करीबन 28 दिन तक मेरा जर्नी रहा, सुबह से शाम तक मैं साइकिलिंग करता था, और जैसे समय मिलता था मैं स्केचेस कर लेता था, फ़ोटो लेकर रखता था, और हर समय की जो छवि है उसकी मैं अपने मन में उतार लेता था। करीबन 28 किलोमीटर का जर्नी है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नर्मदा जी गुजरती है, तो आपको हर जगह का नज़ारा अलग अलग दिखता है, हर मतलब हर प्रांत का। तो मैंने आने के बाद सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर अच्छे से चित्र मालिका बनाई जाए, तो मैंने करीबन 150 के ऊपर छोटे बड़े बहुत सारे पेंटिंग बनाए, और उसमें नर्मदा जी का घाट है, भोर का समय है, संध्या समय है, संध्या बेला है, खेत खलियान, और परिक्रमावासी भी मिलते थे, उनसे बात करता था, उनके भी कुछ चित्र बनाए जिन्होंने मुझे काफ़ी मदद की। मतलब कभी कभी ऐसा समय आया कि अब क्या किया जाए शाम को, तो रहने का खाने का जो प्रबंध होता है वो लोग करते हैं बड़े प्यार से, तो श्रद्धा भाव से, तो उनके भी मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए। उस समय गांव के अलग अलग लोग मिलते, उनको भी चित्रित किया, बड़ा मज़ा आया और अच्छा रहा वो जर्नी। अब लैंडस्केप के बारे में अगर और एक बात मुझे कहनी है कि मेरे लिए लैंडस्केप ना भावना प्रकटीकरण का एक अच्छा माध्यम है, इसमें काव्य होता है, पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है और सुकून होता है, मानो ये लैंडस्केप नहीं माइंडस्केप हो।
काम करते समय जैसे चित्र बहता है उसे खुला छोड़ देता हूँ, बिल्कुल लूज रखता हूँ मन को। ये चित्र मुझे अननोन जगह की सैर करवाते हैं, हर पल नया आयाम देते हैं। इसमें यही तो मज़ा है लैंडस्केप का। चित्र की जो डिमांड है, तकनीक है, उसी में पूरी तरह पूरी करता हूँ। कभी नाइफ है, कभी डाइविंग है, या कोई वॉश है, ग्लेजिंग है, ऐसे जो भी मतलब स्पॉन्टेनियसली जो भी उसकी डिमांड है वो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा तरीका है, मेरा कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है। तो इस तरह से मेरा जर्नी है इसमें लैंडस्केप में। अच्छा लगता है मुझे फॉर्म लैंडस्केप पेंटिंग, मज़ा है इसमें भी। जैसे बाकी आर्ट फॉर्म है तो वैसे ही ये लैंडस्केप पेंटिंग है मेरे लिए। Thank you.